नमस्कार, मैं विजेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं वी न्यूज। इस वक्त हम गुरुग्राम के राजेंद्रा पार्क में मौजूद है, जहां से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। मुकेश शर्मा के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और सैकड़ों युवा हाथ में झंडा लेकर यात्रा में शामिल हुए हैं और भारत माता का जय घोष करते हुए ये राजेंद्रा पार्क फ्लाईओवर तक पहुँचेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर सैकड़ों युवा यहाँ पर इस यात्रा में शामिल होने पहुंचे हैं और मुकेश शर्मा का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया है। आपको बता दें कि 75वें महोत्सव पर देश भर में रैलियां निकाली जा रही हैं, तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और जिस तरह से गुरुग्राम में भी अनेकों ऐसे जगह हैं जहां पर तिरंगा यात्रा निकाली गई है और आप देख सकते हैं कि मुकेश शर्मा झंडा फहरा रहे हैं और ये तिरंगा यात्रा राजेंद्र पार्क रोड से निकाली जा रही है। सैकड़ों युवा इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं। मुकेश शर्मा बात करेंगे भाई साहब, यात्रा निकाली जा रही है। यह तिरंगा यात्रा देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी की अपील पे सब लोगों ने अपने राष्ट्रीय ध्वज को जो 13 तारीख से लेके कल से शुरू होकर 15 तारीख तक ये कार्यक्रम चलता है। ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के ऊपर है। हमारी देश की आज़ादी 75 वर्ष समय पूरे हो जाएंगे, उस उपलक्ष्य में सभी ने अपने घर पे इस राष्ट्रीय ध्वज को अपने घर पे लहराएंगे। यह युवा देखने को मिल रहे हैं। आपको बताने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में हर घर तिरंगा मुहिम चलाई जा रही है। 13 तारीख से 15 तारीख तक मुहिम चलेगी और इसी मुहिम के चलते जगह जगह देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। गुरुग्राम से वीरू श्री विजेंद्र कुमार। नमस्कार जी, मैं लखन सिंह सरपंच सिकोपुर नगर निगम मानेसर 15 अगस्त स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 75वां अमृत महोत्सव मनाने के लिए पूरे देशवासियों से अपील की है कि हर घर तिरंगा, मैं सभी देशवासियों से प्रार्थना करता हूं कि हर घर तिरंगा फहराए और माननीय मोदी जी के हाथ मजबूत करें और माननीय मोदी जी ने जो मुहिम चलाई है इस मुहिम को सफल करें। और मैं 15 अगस्त व जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सभी भाइयों से अपील करता हूं, ये त्यौहार अमृत महोत्सव एक त्यौहार के रूप में मनाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। सभी देशवासियों को आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव की और जन्माष्टमी के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा देश इस वर्ष आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है और माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश भर में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। उसी कड़ी में मानेसर नगर निगम के भी प्रत्येक गांव और प्रत्येक सोसाइटी में हर घर तिरंगा पहुँचाने का कार्य यहाँ से किया जा रहा है। मैं पुनः सभी देशवासियों को आज़ादी के इस 75वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं पंकज डावर गुरुग्राम से। आज़ादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस की समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारे देश का भाईचारा यूं ही बना रहे। जय हिंद, जय भारत। मैं कुलराज कटारिया अपने क्षेत्रवासियों को, हरियाणा वासियों को और समस्त देशवासियों को आज़ादी के 75वें साल पे हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और कामना करता हूं देशवासियों से, भगवान से, कि इस देश अच्छा चलता रहे, बहुत बढ़िया चले, देश का नाम ऊंचा रहे, हमेशा बढ़िया रहे। नमस्कार, मैं अमित भारद्वाज, पूर्व प्रदेश महासचिव किसान कांग्रेस हरियाणा। सभी देशवासियों को मेरी ओर से 15 अगस्त की बधाई एवं शुभकामनाएँ। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये भाजपा सरकार जिस तरीके से आज महंगाई, बेरोज़गारी और एक तानाशाही का रूप अख्तियार कर रखा है, उससे आम जनता आज के समय में बड़ी त्रस्त है। और मैं ये चेताना चाहूँगा कि या तो भाजपा सरकार बाज आ जाए
नहीं तो बहुत बड़ा खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा और जनता अपनी वोट की चोट से इस सरकार को बदलने जाएगी। एक बार फिर से 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं टूलर भारद्वाज, नमस्कार। कांग्रेस का वरिष्ठ नेता, ये सभी देशवासियों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं देता हूं और परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूं कि ये आज़ादी का उत्सव सभी देशवासियों के लिए मंगलमय हो, शुभकारी हो। और सरकार से ये उम्मीद करता हूं कि सरकार उस महंगाई को कम करे जिस महंगाई के बढ़ने से आज देशवासियों की कमर टूट गई है, और उस जनता पर रहम खाए जिस जनता ने उनको सत्ता सौंपी और इस लायक बनाया कि महंगाई बढ़ा सकें। धन्यवाद।